हेलो गाइस, क्या हुआ? कपड़े चेंज लग रहे हैं। मैंने आ क्या आज सोचा आप लोग से ऐसे मतलब पर्सनल मतलब बात किया जाए। क्या बोलते हो? ऐसे कुछ भी मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या बोलते हो? ऐसे एक टेड टॉक रखे क्या? कमेंट्स बताओ। अगर टेड टॉक आप लोगों को चाहिए हम लोगों के साथ, तो कमेंट्स बताओ, हम लोग उसका भी एक वीडियो लेके आएंगे। ऐसा क्या बन रहा है कि भाई इतनी दूर से स्मेल आ रहा है? मम्मी ऐसा क्या बना दी? आइए जोड़ो वॉट, जोड़ो वॉट गाइस। कैसा लग रहा है? आप लोग खाना है क्या? कमेंट्स में बोलो, मम्मी आप बना दोगे सबके लिए। देख रहे हो गाइस, होम सर्विस मिल रहा था आपको, डिलीवरी चाहिए। और डिलीवरी टिप तो कोई देगा नहीं, ये लोग देखो इनके लिए लाया है। आइए मिल गया, मतलब एचडी कार्ड नहीं मिला लेकिन उसका कंटेंट मिल गया। ये फोटो पे मिल गया जो क्या होता ना कि जो शादी वाला था ना वीडियो, बोला एसडी कार्ड मिल नहीं रहा था। बाबा बता रहे कि तो फिर अभी बहुत ढूंढे हम, पूरा ऊपर नीचे सब पूरा ढूंढने के बाद फिर नीचे मतलब फोल्डर में चेक किए, तो अभी मतलब पहले ही चेक कर लिए थे। लेकिन विशाल देवड़ा वाला ना ना कि कुछ नहीं होगा, केवल एक फोटो है, बाहर से हमको देख लगा था, हम खोले नहीं उसको। और अभी खोल के देखिए तो उसी के अंदर था। लड़की तैयार है हाथ पीला करने के लिए। हाथ पीला हो जाएगा तुम्हारा। पूरा मेहनत करती है गाइस आजकल, बस अपने आप को वो दिखाना है कि क्या बोलते हैं, शी इज नाउ एलिजिबल फॉर हाथ पीला। टी शर्ट इज ऑलवेज ऑलरेडी पीला। मम्मी चाय गिरा देगा। मैं क्या बताऊँ, मतलब कि यार मतलब मैं मतलब सोच रहा था कि यार अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली शादी का वीडियो था जो भी शूट हुआ था इस कैमरे से, सो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट। बट अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब एक फोल्डर था विशाल देवड़ा के नाम से, मामा जी, यार मामा जी के चलते ये सब कांड हुआ, तो विशाल के नाम से एक फोल्डर था। आई थॉट कि उसमें लास्ट मैंने मॉडिफाई करके उसको रखा था, तो उसमें केवल एक फोटो रखा हुआ था मेहंदी का, दैट्स इट। एंड सो आई थॉट कि मतलब उसको खोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसमें एक ही पिक्चर है। बट लाइक मतलब पूरा ढूंढने बाद मैं ऊपर ढूंढ गया, पूरा परेशान मैं, मतलब खा नहीं पा रहा था, नाश्ता मैंने ठीक से नहीं किया, मतलब पूरा अलमारी मैंने पूरा अलग कर दिया, मतलब ढूंढ के सब हर एक बॉक्स को चेक किया टू बी स्पेसिफिक, एंड कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हो ना, मतलब कवर भी उठा उठा के देखा, हर जगह मैंने चेक किया। बट फाइनली विशाल के नाम से मैंने जो फोल्डर था वापस से एक बार सोचा कि मैं सारा फोल्डर वापस चेक करता हूँ, सो दैट आई डोंट लीव एनी डाउट ऑन माई सेल्फ कि मैंने चेक नहीं किया। तो उसमें मैंने खोला एंड फाइनली मुझे मिल गया। आई एम जस्ट फीलिंग मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं तो पूरा डरा हुआ था कि यार अब जितना भी शूट हुआ था कुछ भी नहीं हो पाएगा उसका, एंड आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड दैट वीडियो। बट फाइनली मिल चुका है भाई, बहुत ही राहत, मेरा बहुत ज़्यादा राहत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, कल क्या तुम्हारा भाई क्या सो गया है भाई? मतलब अभी तक आँख मेरा मतलब खुल ही नहीं रहा है, जो गलत नींद आया ना मुझे, बस अभी मैं डायरेक्ट 11 बजे उठा हूँ सुबह को। एंड आई फटाफट करते कल मतलब एक्चुअली जो वेडिंग वाला जो फाइनल वीडियो वो एडिट हो के आने वाला है, होप्स आप लोगों को मजा आएगा। बट उसमें थोड़ा सा पीटी हो गया गाइस, जो एंट्री वाला वो वीडियो था ना वो किसी ने मतलब हॉरिजॉन्टल में नहीं किया था, वर्टिकल में किया था, तो वो थोड़ा पीटी दे दिया, अदरवाइज इट वॉज लाइक बहुत बढ़िया बनने वाला था, बहुत ही अच्छा बनने वाला, तो वो सीन पीटी हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी जाते फटाफट से उसको पूरा एडिट करते, फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से, एंड आप लोगों देख लो वो जाके, अगर नहीं देखा अभी तक तो लिंक यहाँ पर आ जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग आए नेहा को वैक्सीन दिलाने, एंड होप सो अभी वो कहती है उसे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसको बंद कर दे तू भाई। अच्छा आधार कार्ड बताओ नेहा दास भी, अच्छा मोबाइल नंबर आना इन्फॉर्मेशन नेहा। मम्मी बोल रही कि तुम लगा लो कि पापा को भेजे। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मतलब वैक्सीन आप लोगों को लगवाना है बेसिकली, मतलब सुई तो लगे बस ऐसे पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल, तुमको डर क्यों लग रहा है? तो गाइस नेहा अभी वहाँ है, एंड अभी वापस सबका एक एक कर नंबर आएगा एंड यहाँ पर लगेगा वैक्सीन। क्या ही है, हम लोग भी लगवा लेंगे, क्या ही है नेहा की नाम ऐसा डरना क्या है, हो गया बस हो भी गया। I don't know guys, मुझे इतना डरना का क्या ही है। ऐसा लग रहा है नेहा बेहोशी की हालत में, भाई आँख में रो रही है गाइस, रो नहीं रहा है, या फर्स्ट थिंग दर्द हो रहा है अभी से ही भाई, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गया, बस अब तो स्कूटी तुम्हें को चलाना है। हाँ ये गाइस बाहर जो एरिया दिख रहा है ना बाहर, वो गाइस मतलब ये पुराने स्कूल का है मेरा, हम लोग यहाँ पहले पढ़ा करते थे कि नहीं? नेहा तुम भी मतलब तुम भी ना, मतलब ये
मतलब उस साइड हम लोग का स्कूल था ना, चर्च है वो हम लोग का पुराना स्कूल, मतलब यहाँ हम लोग कभी कभार आया करते हैं। इंजेक्शन कैसे किया जाता है, पेनिट्रेट किया जाता है, ये लोग डायरेक्ट एकदम पोक करते हैं उसके बाद आराम से डालता है। तो एक होता है एक नर्व में होता है, एक डायरेक्ट मसल में होता है, उस लिए होता है कि मतलब कि डायरेक्ट एसिड डालने से मतलब कि अंदर घुस जाएगा, और एक होता है कि नर्व ढूंढ के डालो। एक आदमी का ऐसे ही किया था, डायरेक्ट घुसाया था तो जब इंजेक्शन निकाला तो फिर अंदर ही रह गया। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता था? सच में मतलब एक जन को जब इंजेक्शन पड़ा तो मतलब कि इंजेक्शन जब पड़ा तो वो नेडल ऑब्वियसली उसके अंदर ही रह गया था, पता नहीं उसके बाद हुआ क्या, ऑब्वियसली कोई IMNA केस ही हुआ होगा कुछ।